4주년 뜨거운 기타 라구라 끌어 브라미 반선 바할 끌어 HPSB Employees Union National Coordination Committee of Electricity Employees and Engineers की कॉल के ऊपर पूरे प्रदेश के अंदर धरना प्रदर्शन कर रही है। इस धरना प्रदर्शन का मुख्य कारण है कि केंद्र सरकार बिजली संशोधन विधेयक 2018 पार्लियामेंट के अंदर पेश करने जा रही है। तो बिजली संशोधन विधेयक पार्लियामेंट के अंदर पेश करने की तैयारी की जा रही है। यह संशोधन विधेयक बिजली क्षेत्र के लिए एक सत्यानाशी विधेयक साबित होगा। इस विधेयक के अस्तित्व में आने के बाद बिजली क्षेत्र का काम निजीकरण के हवाले कर दिया जाएगा। यहाँ पे वितरण उत्पादन जनरेशन तीनों काम जो हैं वो अलग अलग कंपनियों के हवाले किए जाएंगे और वितरण के क्षेत्र में एक से अधिक कंपनियों को लाइसेंस आवंटित किए जाएंगे। इससे हम ये कहना चाहते हैं कि आज जो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन फ्रेम किया जा रहा है, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन को ख़त्म किया जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो केंद्र सरकार का जो वर्चस्व है वो कायम होगा, लेकिन राज्य सरकार की शक्तियां क्षीण हो जाएंगी। राज्य सरकार का जो हस्तक्षेप है वो बिल्कुल ना के बराबर आ जाएगा। इसके साथ क्रॉस सब्सिडी को ख़त्म करने का प्रावधान इस एक्ट के अंदर है। अगर क्रॉस सब्सिडी ख़त्म होती है तो जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं, घरेलू उपभोक्ता हैं, कृषि क्षेत्र के जो उपभोक्ता हैं, उनके ऊपर बिजली के दाम जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इसके साथ साथ बिजली क्षेत्र के अंदर जो कर्मचारी काम कर रहे हैं इनकी सेवा शर्तों के ऊपर भी इसके दुष्प्रभाव पड़ेंगे। पेंशनी बेनिफिट्स के ऊपर भी इसके विपरीत असर पड़ेंगे। हम ये कहना चाहते हैं कि जब बिजली क्षेत्र और ख़ास करके हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य के अंदर कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के चलते जब विद्युतीकरण करना था, कोई कारपोरेट सेक्टर, कोई बड़ा घराना हिमाचल प्रदेश के अंदर नहीं आया, कोई निवेश यहाँ नहीं किया, लेकिन बिजली बोर्ड के कर्मचारियों ने अपने प्राणों की शहादत दे करके कड़ी मेहनत करके हिमाचल प्रदेश को इलेक्ट्रीफाई किया। उन जगहों पे जहाँ पे पक्षी भी पहुँचने से कतराता है, उन जगहों पर भी बिजली के कर्मचारियों ने बिजली का बल्ब जगाया है। लेकिन आज प्रदेश के अंदर एक विशाल ढांचा बन करके तैयार हो गया है। इस विशाल ढांचे को निजी निवेशकों को थाली में परोस करके एक लूट का लाइसेंस देने की बात सरकार कर रही है, जिसके विरोध में HPSEB एम्प्लॉयज संघर्षरत है।